मजदूरों का पलायन जारी है, कोई अपने रिक्शा से, कोई पैदल घर जा रहा है। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर जा रहे हैं। यह कहानी है मुंबई से पलायन कर लौट रहे मजदूर और रिक्शा चालकों की। मुंबई तो हमारे घर जैसा है। यहाँ आने से पहले हमने कई सपने देखे थे जिन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। सोचा था यहीं बस जाएंगे, मुंबई ने भी हमें अपना लिया, इसे ही अपना घर मानते हैं। भले ही 10x10 के घर में रहते हैं पर मुंबई तो पूरा हमारा ही था। सोचा था बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी यहीं काम कर लेंगे। आमची मुंबई को इस तरह अलविदा कहेंगे सोचा नहीं था। बहुत कोशिश की यहीं टिके रहने की। काम बंद होने के बाद भी लगातार यहीं संघर्ष करते रहे। अब जब पूरा जमा पैसा भी खत्म हो गया है तो वापस अपने गांव जाना पड़ रहा है। हम 2 दिन पहले निकले थे आमची मुंबई से आपन यूपी के लिए। यह कहना है महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले ऑटो चालक दिलीप यादव का, जो रविवार को सीहोर बाईपास से होकर जौनपुर के लिए निकले। दिलीप यादव गुरुवार को मुंबई के साकी नाला से निकले थे। उनका मानना है वे बुधवार तक अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन इस तरह से मुंबई छोड़ना बहुत दुख पहुंचा रहा है। हम अपने ही घर जा रहे हैं लेकिन दुख हो रहा है। हालांकि ये लड़ाई ज़िंदगी बचाने के लिए है, इसलिए ही जाना होगा। ये बात अकेले दिलीप यादव की ही नहीं कह रहे, उनके जैसे सैकड़ों ऑटो वाले रोजाना हाईवे से गुजर रहे हैं। कई बार तो 20 से 50 ऑटो एक साथ एक के पीछे एक रेलगाड़ी की तरह निकलते हैं। सभी का एक ही दर्द है, कारण भी एक ही है, कोरोना। पर डर अलग अलग है, पलायन कर रहे हैं कई कारण। ऑटो चालक बताते हैं कि हम चाल में रहते हैं जहाँ 10x10 की खोली होती है, जहाँ ऐसे रहना पाना मुश्किल है। कोई अकेलेपन से डरा हुआ है, किसी को घर पहुंचना है तो कोई तय कर चुका है कि अब वो भी नहीं लौटेगा। पलायन कर रहे लोगों ने बताया कि मुंबई के स्लम एरिया में बाहर से आए लोग रहते हैं जो अब वहाँ से पलायन कर रहे हैं। किसी तरह लॉकडाउन में वो सब संभल रहे थे लेकिन अब हिम्मत टूटने लगी। आधा साकी नाला साफ हो चुका है, वहाँ आवाज़ नहीं सुनाई देती, डर लगने लगता है। कुछ दिन ऐसा ही चला तो सारे स्लम खाली हो जाएंगे। ले लिया भाई, साहब ले लिया, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।